नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ राज्यों में स्थित विधान परिषद की। सबसे पहले तो मैं चर्चा करूँ कि भारतीय संविधान में केंद्र के लिए दो सदनों की व्यवस्था की गई, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा राज्यों के विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये व्यवस्था दुनिया के अन्य प्रजातांत्रिक देशों में स्थित द्विसदनीय व्यवस्था है, लेकिन राज्यों के लिए संविधान में अनुच्छेद 169 के अनुसार ये व्यवस्था की गई कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद गठित करने के लिए कानून बना सकती है और फिर वहाँ विघटित करने के लिए भी, समाप्त करने के लिए भी कानून बना सकती है। वर्तमान में अपने देश में 28 राज्य हैं जहाँ विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था है। देश की आज़ादी के बाद भी कुछ ही राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था थी, जैसे असम, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। लेकिन वर्तमान समय में अब यह संख्या सिर्फ 6 रह गई है, वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसकी जो संरचना होती है उसमें 1/3 सदस्य तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 महामहिम राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 स्नातक क्षेत्र और 1/12 शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। लेकिन एक व्यवस्था और है जो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं वे स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से होते हैं, जिसमें मुखिया, सभी वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निकायों के सदस्य और उनके मुख्य पार्षद, मेयर वगैरह मतदान करते हैं। विधान परिषद की जो स्थापना हुई वस्तुतः इस उद्देश्य से हुई कि इस सदन, चूँकि एल्डरली हाउस कहा जाता है, इसे अपर हाउस कहा जाता है, कि यहाँ काफ़ी अच्छे वाद विवाद होंगे प्रत्येक विषय पर। लेकिन धीरे धीरे अब देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद यह पाया गया है कि जिस दल या गठबंधन की सरकार राज्य में होती है और यदि उसी दल या गठबंधन के का बहुमत विधान परिषद में है तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद की गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन यदि जिस दल या गठबंधन की सरकार है और जो विधान परिषद है उसमें अगर विपक्ष का बहुमत है तो गुंजाइश वाद विवाद की थोड़ी बढ़ती है। विधान परिषद के अधिकार बहुत ही सीमित है, बहुत ही सीमित है। वित्त विधेयक को तो अधिक से अधिक विधान परिषद सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, जबकि अन्य विधेयकों को कुछ महीनों तक के लिए रोक सकती है। बहुत विधिवेत्ताओं ने यह कहा है कि यह स्टेट चेकर पर एक तरह का समझिए कि एक भार है। ठीक है कि अगर विधान परिषद की आवश्यकता है, अब मैं विचार करूं जनहित के दृष्टिकोण से और विशेषकर अभी जो बिहार उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन हुए हैं, मैं इस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। अब ये वक्त आ गया है कि यदि सभी पार्टियां इस बात को समझती हैं कि विधान परिषद काफ़ी उपयोगी सदन है तो निश्चित तौर पर जनहित में शेष सभी राज्यों में इसके गठन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। और यदि लगता है कि ज़्यादातर राज्यों में चूंकि विधान परिषद नहीं है इसलिए कुछ राज्यों में जो ये विधान परिषद हैं क्या यह आज के समय उपयोगी हैं, मैं अनुरोध करता हूँ देश के सभी राजनीतिक दलों से कि इस विषय पर विचार किया जाए और सर्वसम्मत रूप से
इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।